माय यूट्यूब चैनल आयशा स्टार गाइस, सॉरी उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो बताना जरा मेरा कलर कैसा लग रहा है, लाइट ऑन कर लो, अच्छी लग रही है या नहीं बताना कमेंट करके। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और ब्लॉग को स्टिल वॉच करना। ये यहाँ पर ना मूवी देख रहा है तो ये ना मेरा कॉपीराइट आ जाए तो मैं खुद ही दूर हो जाती हूँ इससे। और अब मैं करने वाली हूँ अतुबा का कैरेटन, तो आप साथ ही साथ मेरे व्लॉग्स देखते भी जा रहे हो, ठीक है ना, कि मैं एंड भी कर रही हूँ तो मैं स्टार्ट भी कर रही हूँ ताकि कोई चीज़ आप लोगों के लिए मिस ना हो, कुछ भी आपके लिए स्किप ना हो, तो इसीलिए। और अब मैं बस इसका कैरेटन करूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला है कि मेहमान आने वाले हैं घर पर फिर से, कल से हम लोग आए हुए हैं तो कोई ना कोई इसके घर पे आ रहा है, वरना ये हमेशा कहती थी, मतलब करिश्मा सिस्टर कहती थी कि मेरे घर कोई नहीं आता, तो इसलिए हम लोग आए हैं तो अब मेहमान भी आना शुरू होने वाले हैं। और अब ये भी काम कर रही है घर का, और पीछे मेरी खाला कपड़े सिलाई करना शुरू हो चुकी है, पता नहीं अपने कर रही है या बीहा के, ये मुझे नहीं पता। तो खैर अब मैं करती हूँ अतुबा का काम स्टार्ट, तो चलो चलते हैं रूम में और मैं आपको दिखाती हूँ अतुबा के बाल जो मैंने अपने बालों में किया है वही इसके बालों का है, ठीक है ना, कलर मैंने किया। और ये अभी नहाई है तो इसके बाल ज़्यादा अभी थोड़े से गीले हैं, वेट और वेट बाल ही होने चाहिए जब आप कैरेटन करो, इतने वेट बाल होने ही चाहिए जब आप कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करो कैरेटन रिबॉन्डिंग या एक्सटेंसो के लिए, तो इतने वेट होने चाहिए, उसके बाद जब आप ना प्रोडक्ट लगाओ तो प्रोडक्ट आपका डैमेज नहीं होगा। और मैंने अपने प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें अप्लाई की हैं, मैंने कंडीशनर डाला है और हेयर सीरम डाला है अपने प्रोडक्ट में ताकि इसके बाल डैमेज ना हो, क्योंकि हमने इसके बालों में कलर किया है और 3 दफ़ा कट डाउन किया है और उसके बाद फिर ग्लॉसिंग भी 2 दफ़ा हुई है, मतलब अलग अलग कलरों की ग्लॉसिंग हम करते रहे, उस वजह से अब मैं आपको कट डाउन दिखाती हूँ। फाइनली हम रेडी हो चुके हैं और खाना भी मैंने खा लिया है, अब सिर्फ आगे मेरी चाय पीऊँगी। और यहाँ ये ना सर्विसेज स्टार्ट हो गई हैं, तो मतलब सैलून वाले आए और सैलून ना खुले ये तो हो नहीं ना सकता, तो यहाँ ये भी रेडी हो चुके हैं नहा धो के, अब नाश्ता किया जा रहा है और यहाँ ये इंजॉय कर रहे हैं बच्चे बाय 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 कादे लिए कितने जा रहे हैं असी, तो इसे बता दिया कि हम जा रहे हैं और ये झूले वूले ले रहे हैं, तो चलो साथ बनाना स्टिल वॉच करना, चलते हैं शॉपिंग करने। लगा है सो जब से उठे हैं तब से मेहमान आते जा रहे थे, तो अब मैं और मम्मा नहाए हैं और अब मम्मा की किया हल्की सी ट्रिमिंग मैंने सिर्फ इतने से बालों की, क्योंकि एक तो बीमारी वाले बाल थे और दूसरे नंबर पे ये था कि अब मैं मम्मा का भी साथ कैरेटन करने वाली हूँ और तुबा का भी, तो इसलिए फिर मैंने मम्मा की थोड़ी सी कटिंग कर दी है और खुद भी नहा लिया है, मम्मा को भी लाइट नहीं अच्छी आ रही कि अंधेरा। तो मैं साथ नहीं गई थी, अतुबा गई थी, तो अतुबा करके आई है शॉपिंग और ये अतुबा करिश्मा के लिए सूट लाई है, मैंने लाई पैसे उसी ने दिए, हाँ पैसे हो गए उसी ने दिए, पर ये इन दोनों की देखने वाला कोई और ना ये ना समझ जाए ना कि इसके पास कहाँ से आया अल्लाह, हाँ तो चलो समझ आ गई ना हम तानु, तो ये अतुबा ला है 4,200 उत्ते तो 200 भी क्या दिता चार हमें जितने का जो चीज़ मिली है वैसे सूट देखने से प्यारा लग रहा है और पहनने पे और प्यारा लगेगा, एंज क्यों ओ वाह अच्छा आया है, नो डाउट अमेजिंग सूट है। हाय नूर यार ये बाजू है ए बाजू ने अच्छा, तो शॉपिंग पे गए थे और साथ ही साथ लेकर आए ये लोग गोल गप्पा, ओए बाकी भी ने तो मैं प्रोडक्ट दिखाती हूँ, तो मैंने कह दिया मैं कट डाउन दिखाती हूँ, तो ये प्रोडक्ट है कुछ इस तरह से, ठीक है ना, और ये मैंने इसमें कंडीशनर और वो ऐड किया है कंडीशनर, ये जिस कंपनी का शैम्पू यूज़ करती है मैंने उसी का इसका कंडीशनर ऐड कर दिया है, ठीक है, और इस तरह से इसे मैंने पूरा मिक्स कर लिया है
ताकि ये एक ठीक है हार्श है केमिकल है ना, तो इसलिए इसके बाल डैमेज ना हो, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें कर ली हैं। सो ये है कि आज मैं मुरझाई मुरझाई आप लोगों के सामने आ रही हूँ इस टाइम, और बात यह है कि केराटिन कर रही हूँ तो कुछ भी ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि आप लोगों को केराटिन का मेरे प्रोसीजर आपको बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह से मैं करती हूँ। तो आपको जो है ना आयरन कर रही हूँ, और आयरन के बाद फिक्सर लगाऊंगी, क्योंकि एक और शख्स का मैं केराटिन साथ साथ कर रही हूँ, मतलब दो लोगों का एक ही दिन में केराटिन में कर रही हूँ, तो इस वजह से ना मैं बस थोड़ा सा बिजी हुई थी, फिर मुझे भूख लग गई और मैंने साथ खाना भी खाया, तो कुछ चीज़ें मेरे लिए कृष्णा ने की, मतलब एक आयरन उसने मेरे लिए की और जो फ्रेश आयरन मुझे करनी थी ना वो मैं खुद कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं अपना काम सारा ख़त्म कर रही हूँ, और केराटिन करने में ना थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही, और इसके बालों का लुक अब आप लोग देख सकते हैं, एक साइड की आयरन हुई भी है, दीदी वो दिखा जिस साइड के हुई है, तो ये है इस साइड का शेड, इसके ये है इसका शेड भी, ठीक है। तो बाकी का मैं आपको फाइनल लुक जो है ना बिल्कुल एंड पे दिखाती हूँ। ओके दी, फाइनली ये है वो स्टिक्स और उसके बाद वो केराटिन जो मैंने डन किया है, और मैंने कटिंग भी अब पहले मम्मा ने की थी, पर एक दफ़ा फिर से मैंने लाइट से कटिंग का टच भी दिया है इसे। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं इसका लुक, और कमेंट करके बताना कि इसकी कटिंग और इसका लुक कैसा आ रहा है, ठीक है। और मुझे तो बहुत पसंद आया, बहुत पसंद, ये देख सकते हो शाइनिंग आप लोग देख सकते हो। सो फाइनली हमारे यहाँ मेहमान आए, और मैं लेटने जा रही थी और मेहमान आ चुके हैं। सो कल मैं उसके बाद कुछ भी शूट नहीं कर पाई, और यहाँ आज फ्रेश हो के गिर विर के अब लिए जा रहे हैं झूले, और इंजॉय की जा रही है, दोनों बहन भाई नहाए हैं उठते सारी और यहाँ इंजॉय कर रहे हैं लोग। भैया मजा, अरे मजा, चूचा ओए ओए गिर जाएगी, बसे राम ना पता है ना झटके मार दिए हमें सदके। सो फाइनली हम भी बैठ चुके हैं झूले में, ये तो बुरा गिरी है ना, तो शुक्र लगी नहीं है इसे, और हम भी इंजॉय कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी नहीं है थप्पड़ आ रहा ना, फिर पता चल जाएगा डिग्गी है कि नहीं डिग्गी, झूठ झूठ नहीं बोलते बुरी बात। हाय भैया, हाय भैया, मजा आ रहा है, हसन मजा आ रहा है, मी हाँ मजा आ रहा है, मी मजा आ रहा है, हम लोग को हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, झूले ले रहे हैं, है ना चुचिया उचिया माँ जानी। तो यहाँ बन रही हैं हाथ की सेवियाँ, वो भी खाला के हाथ के, तो खा के फिर आपको टेस्ट बताऊँगी, और मैं जाने लगी हूँ अब मेहंदी वगैरह लेने, और भी एक दो चीज़ें लेनी है मुझे, तो मैं मामू की बेटी के साथ जाने वाली हूँ नूर के साथ, तो साधन है सुलवाच करना, यहाँ की कोई शॉपिंग वगैरह का मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो ये कराची से लाना हम लोग भूल गए हैं ये वाली मेहंदियाँ कॉल मेहंदी, तो इसलिए अब फिर मुझे जाना पड़ रहा है साधन है। हम निकल चुके हैं पंजाब की गलियों में, आज आप लोगों को घुमाती हूँ साथ साथ, पर मैं वैसे तो इतनी व्लॉगिंग नहीं करूँगी सबके सामने, क्योंकि वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, तो साथ बने रहो बस, और मासा को शर्म आती है इस वजह से नहीं मासा ने बनाया, हाँ तो मेरे को शर्म आती है, नहीं यार किसी के सामने अच्छा नहीं लगता, जिसको पता है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ उसके लिए तो ठीक है,
जिसको नहीं पता तो यहाँ के लोग बहुत ओवर से होते हैं, तो वो ओवर चीज़ मुझे पसंद नहीं होती। हम लोग शॉपिंग करके आए, इतनी देर में खाला ने सेवियाँ डन कर ली हैं और सेवियाँ बन चुकी हैं और यहाँ इसका रोना शुरू है। बस ये रोए ना, ये कैसे हो सकता है, हमारा काम ख़राब ना करे, ये कैसे हो सकता है। जल्दी तो खा लो। यहाँ ये हमारी सेवियाँ मज़ेदार, अब खाते हैं, टेस्ट करते हैं। खाला ने शुगर ऊपर से ऐड की है, मिक्स नहीं की हुई, क्योंकि खाला कह रही फिर पानी छोड़ देती हैं। सो फाइनली फिर से छत पे आ चुकी हूँ और मौसम देखो, व्यूज़ देखो, जरा व्यू चेक करो, व्यू जहाँ आयशा हो और वहाँ व्यू ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो हमारे साथ भी यही सीन है, कुछ जैसे कि रजब के साथ सीन है ना, कि रजब जहाँ हो वहाँ व्यू ना हो, मैं कहती हूँ जहाँ आयशा ना हो वहाँ व्यू ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो अब जो है ना, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आज की ये एक्टिविटी, कल की और आज की एक्टिविटी आप लोगों को पसंद आए। डू शेयर, लाइक एंड कमेंट, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और लॉकस्ट वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट व्लॉग बहुत मज़े की आने वाले, हो सकता है आज रात मैं चले जाऊँ जिस घर पे शादी है वहाँ, और कोई पक्का पता भी नहीं, अगर मुझे लेने आ गए तो मैं चले जाऊँगी, अगर ना लेना कोई आया तो फिर मैं नहीं जाऊँगी, फिर हम कल ही फाइनली जाएँगे। तो साथ बने रहना आने वाले व्लॉग्स के लिए, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और व्लॉग को स्टिल वॉच करना, बहुत मज़ा आने वाला है। और मुझे कमेंट्स कर करके बताना कि कैसे आने वाले व्लॉग्स होने चाहिए, क्या चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए जो आप लोगों के साथ फुल ऑन शेयर करूं, तो वो मुझे भी मोटिवेशन होगी और आप लोगों के लिए भी मैं शेयरिंग करूँगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर, बाय बाय।